हाय दोस्तों, तुबा के किचन में आपका फिर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड कैप्सिकम और कैरेट की अचार की तैयारी कर रहे हैं। आधा किलो कैरेट और आधा किलो रेड कैप्सिकम लिए हमने। कैरेट को एक बॉइल पानी में हल्के से बॉइल पानी से निकाल के रख, हल्के जो बॉइल पानी में गाजर को डाला था वो निकाल के इस तरह से रखना है और धूप ठंडा होने के लिए रखना है, गर्म में नहीं डालना है। अचार का मसाला तैयार कर लिया है। इसमें हर चीज़ दो टेबल स्पून के हिसाब से जीरा लिया है, 3 टेबल राई ली है, 3 टेबल स्पून सरसों की दाल ली है, 2 टेबल जो है हल्दी और 1 टेबल मेथी दाना और 2 टेबल लाल मिर्ची और 1 टेबल गर्म मसाला डालना है और 1 टेबल स्पून जो है सौंफ और 2 टेबल स्पून साल्ट डाला है, 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है। कैरेट और रेड चिली को डालने के बाद बर्नी में भरने के बाद इसको डालना है 2 चम्मच। ये फिल करने के बाद रात भर इसको ऐसे ही रखना है और हो सके तो सुबह सूरज की रोशनी में इसको थोड़ा पका दें 12-1 बजे तक। उसके बाद इसमें 2 बड़े टेबल स्पून जो है सरसों का तेल कड़कड़ा के इसमें डाल दें। आपका रेड चिली कैरेट का अचार तैयार है। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।